हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील जोगिंद्रनगर और गांव यानी पोस्ट ऑफिस द्रुबल, और गांव मेरा कुनकर है। अभी हाल ही में मैं दिल्ली से आया हूँ और 29 तारीख को मैं घर पहुँच गया था, और 29 तारीख को ही मैं घर में आके मैंने होम क्वारंटीन में मैंने अलग रूम में रहने लग गया था। तो मैं घर आके किसी से भी नहीं मिला, मैंने अपना अलग कमरे में रह के होम क्वारंटीन का पूरा ध्यान दिया। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी भाई बाहर से आ रहे हैं वो प्लीज़ सरकार का सहयोग दे और होम क्वारंटीन का पूरा ध्यान दे। यार कुछ नहीं होता यार भाई, हम 14 दिन अलग भी रह जाएंगे घर वालों के तो कुछ नहीं होता। इतने दिन हम बाहर काटते हैं तो हम क्यों नहीं यार 14 दिन अलग रह के फैमिली को सेव कर सकते हैं, औरों को भी सेफ रहेंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी देख के इंसानों को नहीं आती है कि ये मुझे ही होगी या किस मुझे ही आएगी, किसी और की नहीं आएगी। इसी का कोई पता किसी को कोई पता नहीं लगता कब किसको ये बीमारी हो जाए। आज जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो भी बोलता हूँ मैं फिट हूँ, पर जब उसका टेस्ट लिया जाता है ना, तो वो अगर पॉजिटिव पाया जाता तो वो भी सोचता है यार मुझे कोई सिम्टम नहीं है। पर इस सिम्ट अभी जो चला हुआ है उस सिम्टम में किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। तो मेरे को 30 तारीख से ही मुझे बुखार आने स्टार्ट हो गए थे, मैंने बात भी की थी तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी, पर उस दवाई से मुझे कोई तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। पूरा दिन मैं ठीक रहना, शाम के टाइम मुझे बुखार आ जाता था। तो बुखार आता तो मैंने डॉक्टर को 2 तारीख को मैंने डॉक्टर को फोन किया हमने सुबह, तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारी टीम आ रही है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो 2 तारीख को डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री पूछी। तो उन्होंने पूछा कि मनोज तुम कर क्या चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो? मैंने हाँ सर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो 2 तारीख को फिर उन्होंने बोला हम आपका टेस्ट करेंगे और आपका भी जो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत है तो उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2 तारीख को मेरे शाम के टाइम मेरा टेस्ट हो गया था। तो 3 तारीख को संडे था, 4 तारीख को मेरा टेस्ट आ गया था कि मैं पॉजिटिव पाया गया। हालांकि मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे न्यूज़ में लाइव हो गया था, परंतु मैंने न्यूज़ नहीं देख रहा था। जब मुझे किसी दोस्त का फोन आया तो उसने मुझे बताया, तो मैं घबरा गया था उस टाइम। तो फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है, क्या हम नहीं लड़ सकते क्या इस बीमारी से? तो मैं उस बीमारी से, फिर डॉक्टर साहब आए रात को, उन्होंने मुझे गाड़ी में ले आए। मैं नेर चौक लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में हूँ, यहाँ डॉक्टर के और स्टाफ जो नर्स हैं वो मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, और खाने पीने का मेरे को अच्छा मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। यहाँ कुछ भाई मुझे फ़ोन भी करते हैं, पर यार मैं सबका फ़ोन नहीं उठा सकता ना, कि जो भी मुझे फ़ोन करेगा मुझे भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब कितने के फोन आते हैं यार, मैं किसी हर किसी का फोन नहीं उठा सकता। प्लीज यार भाई, बाद में मैं सबसे बात कर लूंगा, अगर आप फेसबुक से हैं या व्हाट्सएप से हैं मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा, पर इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा यार कि एक साथ मेरे को फोन करते रहें तो मैं एक का उठाऊं दूसरे का उठाऊं, थोड़ा मुझे भी रेस्ट करना होता है। और जो भी भाई बाहर से आ रहे हैं यार, मैं उनसे यही चाहता हूँ यार होम क्वारंटीन करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी दिक्कत है, होम क्वारंटीन के बाद आपने फैमिली के साथ ही रहना है, ना कि अलग ही रहना है पूरी ज़िंदगी भर। आप सेफ रहेंगे तो फैमिली सेफ है, फैमिली सेफ है तो आपका गांव भी सेफ है। यही है ना, आप अपनी फैमिली के साथ ज्वाइंट हो जाओगे, वो फैमिली आपकी इधर उधर काम में तो करने जाएंगे यार, वो कहाँ कहाँ हाथ लगा के आएंगे, तो फिर दूसरों को वही आएगा यार इसकी वजह से आ गया। तो प्लीज़ यार कुछ नहीं है यार, हमें तो बस होम क्वारंटीन गवर्नमेंट ने दे रखा है, गवर्नमेंट भी कहाँ तक करेगी इसको। तो प्लीज़ यार भाई, जो गवर्नमेंट के रूल है उन्हें फॉलो करें।
फॉलो करने से अच्छा रहेगा। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फोन करें कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपका सॉल्व होगा। वो मेरी यही आप लोगों से विनती है, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बाहर से आ रहा है तो होम क्वारंटाइन में रहो यार। आपको दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपके लिए बैठे हैं डॉक्टर, वो आपके लिए दिन रात आपकी सेवा के लिए, वो भी तो उनका भी तो घर है यार, वो हमारे लिए ही तो बैठे हैं। नर्सें हैं, वो भी तो हमारे लिए बैठे हैं। मेरे से बात होती है, नर्सें मुझे कॉल करती है कि हम इतने दिन बाद हम भी होम क्वारंटाइन में, वो भी तो हमारे पीछे होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं ना, उसके बाद वो भी होम घर में रहेंगे। तो देखो यार, जो हमारे लिए दिन रात कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनके साथ ये करना चाहिए। हमारा घर है, हम आ रहे हैं, गवर्नमेंट हमें ला रही है, ठीक है यार, गवर्नमेंट हमें ला रही है, कहीं बॉर्डर में तो नहीं रख रही है कि वहाँ हमें बीमारी नहीं है तो हम वहाँ बीमार भी हो सकते हैं। घर में आ रहे हैं ना हम, घर में अलग कमरा क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, घर वाले खाने देंगे, अलग से बर्तन होगा तुम्हारा, अलग से होगा, अपने आप खुद बर्तन धोएंगे, ये करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। हम सेफ रहेंगे तो फैमिली भी सेफ रहेगी। तो मेरी यही यार विनती है कि आप लोग जो भी भाई बाहर से आ रहे हैं ना, 14 दिन का होम क्वारंटीन करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको सिम्टम पता लग जाएगा, जो व्यक्ति हेल्थ होगा उसका 8 से 10 दिन में उसको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको 3 या 4 दिन में पता ही लग जाता है कि मुझे। और आज के दौर पे जो भी बंदा बीमार हो रहा है ना, तो डॉक्टर उनको यही देख रहा है कि भाई उसमें कोरोना का कोई केस तो नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ यार अपनी हिस्ट्री ना छुपाएं, जो पूछा जाए वो बता दो, कुछ नहीं होता है यार, बताने से क्या होगा, दूसरों की भी जान बच जाती है सच बताने से। तो मेरी यही है कि होम क्वारंटीन जो गवर्नमेंट ने किया उसे पूरा करें, ठीक है। मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में केस ज़्यादा थे, अब मुझे भी नहीं इतना पता लगा कि कहाँ क्या हो गया। मैं भी कमरे से बहुत कम निकलता था, इमरजेंसी में निकलता था, मुझे भी इतना शौक नहीं है कि मैं गलियों गलियों में घूमूं और जब हो जाएगा तो भाई चलो। अब किसी को नहीं पता लगता ना, ये बीमारी ऐसी है कि कहीं भी हम हाथ लग जाए, कहीं या तो किसी ने थूका होगा, उसके चप्पल से भी आ सकता है, कहीं यार ये कहीं भी हो सकता है, इसकी कोई हमें जानकारी दिखता नहीं है हमें कुछ कि ये बीमारी दिख जाएगी यहाँ है। अब बंदा तो सोचेगा यार यहाँ थोड़ी होगा, आप जहाँ रह रहे होंगे बाहर शहरों में, कोई आपके गेट को छू के चला जाएगा तो आपको थोड़ी पता लगेगा कि आपने कहाँ हाथ लगाया कहानी। तो मेरी यही विनती है, देखो आपने आप सेफ रहोगे तो फैमिली सेफ रहेगी और आपका गांव भी सेफ रहेगा। बस हमें होम क्वारंटीन करना है 14 दिन के लिए, 28 दिन कर दिया कोई दिन, 14 दिन तो कम से कम रह सकते हो यार, फिर फैमिली के साथ ही तो रहना है हमने। मेरी यही विनती है यार सभी भाइयों से जो बाहर से आ रहे हैं, होम क्वारंटीन में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रह रहे हैं, घर वालों से मिल जाओगे, जिनके बच्चे हैं यार बच्चे से तो मिल जाओगे, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी कम है तो बच्चे की भी तो कमी है, वो भी तो जल्दी बीमार हो जाएगा। प्लीज़ यार, और दूसरों के बारे में ना कुछ गलत मत बोलो यार कि उसको ये हो गया, इधर से हो गया। किसी को अगर तुम दुआ नहीं कर सकते तो किसी को दुख मत दो यार, उनके बारे में आपको ये सोचना चाहिए यार, बीमार हो गया तो उसको हम ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने परिवार के साथ फिर परिवार के साथ मिले। हम भी यही यार, हम भी है, हम जितने ये होता है तो हमें बड़ा दुख होता है यार, ये बीमारी है तो बीमारी से तो यार पूरी दुनिया लड़ रही है ना, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है। तो प्लीज़ यार भाइयों, मेरी यही निवेदन है कि आप जो भी भाई बाहर से आ रहा है ना, होम क्वारंटीन में ही रहें, ताकि सब सेफ रहेगा और आपका गांव भी, फैमिली भी सब सेफ रहेंगे, तभी इस बीमारी का अंत होगा।